चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद पूरा भारत अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार कर रहा है। भारत की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने की है। भारत अगर इसमें सफल हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। जब से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी है तब से लोग अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर चांद के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। बचपन में हम सभी चांद पर जाने की ख्वाहिश करते थे, लेकिन हम चांद के बारे में कितना जानते थे? जैसे क्या आप जानते हैं कि चांद का वजन कितना है, या कभी अमेरिका ने परमाणु बम से चांद को उड़ाने की योजना की थी? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कि चांद का वजन कितना है? इससे पहले आपको ये बता दें कि चांद धरती के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा ही है। चांद का वजन 81 अरब टन है। बात करें चांद पर मौजूद मिट्टी की तो उसकी गंध बारूद की तरह होती है। चलिए बढ़ते हैं चांद के आकार की तरफ। तो नासा की लूनर वेबसाइट के अनुसार चंद्रमा पूरी तरह गोल नहीं बल्कि अंडे के आकार का है। सवाल उठता है कि चांद हमें गोल क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब नासा के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह है कि हमें चंद्रमा का केवल निचला हिस्सा दिखाई देता है। अब आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि अगर आप अंडे को नीचे से देखते हैं तो वो भी गोल ही दिखता है। बात करें चांद के तापमान की तो चांद का तापमान दिन में 134 डिग्री सेल्सियस और रात में 183 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैसे एक फैक्ट और जो काफी ऑब्वियस है पर शायद आप ना जानते हो कि जिस तरह जब अर्थ पर भूकंप आता है तो हम अर्थक्वेक कहते हैं, और इसी तरह जब चांद पर भूकंप आता है तो उसे मून क्वेक कहा जाता है। अब एक और हैरान करने वाली बात, कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना भी बनाई थी, और अगर ऐसा होता तो चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होता, या फिर यूं कहूं कि पृथ्वी पर एक बड़ा बदलाव आता। फिलहाल चांद के बारे में इतना ही, लेकिन इस तरह के फैक्ट्स और अलग अलग यूनिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए आप देख सकते हैं हर सोमवार शाम 6 बजे यूट्यूब पर हमारा शो पाठशाला। अब मुझे यानी नबीला उरूज को दिए इजाजत और बने रहिए आज की खबर के साथ।